हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज कुछ नया मिलेगा आप लोग को व्लॉग में देखने के लिए, क्योंकि आज है 8 अगस्त एंड बहुत जगह पर बोला जा रहा है एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि आज है 888 पोर्टल, यानी कि 8 अगस्त 2024। 2024 को ऐड करने से भी 8 होता है एंड दिन भी है 8 डे एंड अगस्त इज़ द 8th मंथ। तो 888 पोर्टल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है मैंने बहुत जगह एंड मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले भी इस चीज़ को आज कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने के लिए कोई अच्छा अगर रिचुअल हो, टेक्निक हो, तो ये हम लोग करना ही चाहते हैं एंड करना भी चाहिए। यहाँ पर हम लोग सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विशेज़ मांग रहे हैं। 8 विशेज़ को पेपर में लिख लिया मैंने एंड फिर पेपर को जला के एशेस को ब्लो आउट कर दिया यूनिवर्स में। होप कर रहे कि सब फुलफिल होगा। एंड आज दिन में बनाऊंगी खिचड़ी, तो कल मैं लेके आई थी मूंग दाल और गोविंद भोग राइस, तो बस बनेगा खिचड़ी। एंड यहाँ पर मैंने अंडा बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि आज मैं एक स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। एंड ये देखिए, आलू भी बॉईल कर रही हूँ कुकर में एंड इसमें थोड़ा सा नमक डाल के, आलू का छिलका हटा लिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करूँगी। आज मैं बनाऊँगी अंडा और आलू का सैंडविच, बहुत टेस्टी होता है। छोटे से मैंने बहुत खाया है ये सैंडविच एंड बहुत फिलिंग होता है। तो ये देखिए, जैसे कि मेरा आदत है, सामान मैं पैकेट में नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा अच्छे से डब्बा सारा धो के, कोई भी जब नया सामान, मैं रिफ़िल करती हूँ डब्बे को, मैं हमेशा डब्बा धो के फिर रिफ़िल करती हूँ। एंड सब चीज़ क्लीन रखना, साफ़ रखना, ऑर्गेनाइज वे में रखना मेरा आदत है। एंड यहाँ पर चलिए वापस चली जाती हूँ रेसिपी में। तो यहाँ पर देखिए, आलू बॉईल हो चुका है, इसको अच्छे से मैं स्मैश कर दूँगी। यहाँ पर जो पाउडर आप लोग देख रही है, भूंजा हुआ जीरा, मतलब जीरा पाउडर को मैंने हल्का सा तवा में फ्राई कर लिया है विदाउट एनी ऑयल, ऐसे ही सूखा सूखा फ्राई कर लिया है एंड उसको इसमें डाल दूँगी मैं। एंड थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। तो एक अंडा बॉईल एंड आई थिंक 2 या 3 आलू बॉईल कर लिया मैंने। इस सारा स्टफिंग को मैं अच्छे से स्मैश कर लूँगी एंड इसमें भुना हुआ जीरा एंड बस ज़्यादा कुछ नहीं है, नमक लगेगा और कुछ नहीं। हाँ, इसमें चॉप्ड अनियन मैंने ऐड किया एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी, टेस्ट को एनहेंस करने के लिए चॉप्ड अनियन आप लोग ऐड कर सकते हैं, बहुत यम्मी लगता है खाने में। एंड बस इसको मैं ऐसे, देखिए, ब्रेड में ऐसे फिलिंग कर दूंगी एंड इसके बाद इसको थोड़ा सा तेल से, हल्का एकदम तेल से तवा में सेक लूंगी, और नहीं तो बटर से भी आप लोग सेक सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है कि तेल दे, बट तेल अगर यूज़ भी करेंगे 1/2 टीस्पून ऐसा, मतलब 1 ब्रेड के लिए 1/2 टेबल, 2 ब्रेड्स के लिए 1/2 टीस्पून। तो ये देखिए, तवा में अच्छे से मैंने तवा को ग्रीस कर लिया एंड यहाँ पर देखिए अच्छे से मैं सेक रही हूँ। रेडी हो गया, ये तो है तुम्हारा खाना, तुम्हारा खाना तो रेडी हो गया, देखो दे। हाँ, दे रहा है बेटा, थोड़ा अच्छे से सेक दे इसको। बहुत टेस्टी है, एंड सच मानिए ये सैंडविच इतना टेस्टी था ना, एंड भूख भी लगा हुआ था, बहुत ही टेस्टी लगा आपको। हाँ। फिर मैं लग गई अपने कामों में, खाना पीना सब मैं बना के रेडी कर चुकी थी एंड फिर थोड़ा देर मैंने आधा घंटा रेस्ट किया एंड फिर झाड़ू पोछा करना था मुझे, तो अच्छे से झाड़ू पोछा करने में काफ़ी समय लग जाता है ना। घर कभी नॉर्मल पानी से नहीं पोछती हूँ, हमेशा फिनाइल, मतलब अच्छा वाला फिनाइल या तो फिर साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, ये सब डाल के, या तो डेटॉल, कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ मैं। एंड किचन में तो थोड़ा ज़्यादा ही प्रेस करके पोछना पड़ता है। बज गया है दिन का 1:15 एंड मेरा नहाना पूजा करना सब कंप्लीट हो चुका है एंड बहुत थक गई हूँ मैं, बिकॉज सुबह से बहुत काम रहता है एंड वीडियो एडिटिंग मेरा अभी बाकी है, अब पता नहीं, देखती हूँ कब करूँगी, बिकॉज देखती हूँ। वैसे भी आजकल मेरा 3-3:30 बज ही जाता है वीडियो एडिटिंग करने में। पहले पनव को खाना खिला देती हूँ, उसको भूख लग गया है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग कर लूँगी या तो खाना खिलाते खिलाते साथ में ही कर लूँगी।
आज का हम लोग का लंच खिचड़ी आलू फ्राई एंड पापड़ फ्राई, हम दोनों का फेवरेट लंच है ना, फेवरेट लंच। ये देखिए पनप पापड़ में पहले वो कर रहा है, हाथ बैठा रहा है। पनप कैसा लगा पापड़, यम्मी है ना? बज गया है शाम का 6 एंड आज बहुत दिनों बाद मैं और पनव थोड़ा सा दिन में सो लिए हैं। हम लोग 2:30 बजे सोए थे एंड 6 बजे उठे हैं, तो अच्छा खासा नींद पूरा हो गया आज, क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई रहती हूँ 4:30-5 बजे से, तो नींद पूरा नहीं होता है मेरा। आज मेरा नींद पूरा हुआ है दिन में, थोड़ा देर में सो गई थी तो इसलिए देखिए फेस भी थोड़ा सा फूला हुआ लग रहा है। को आज शाम को दूध पिला रही हूँ, बिकॉज सुबह को वो दूध नहीं पिया था, तो इसीलिए उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। 5 घंटा गैप नहीं हुआ है, हम लोग आज 2 बजे खाना खा लिए थे, जल्दी जल्दी खा लिए थे। 158 और 2 में कितना डिफरेंस रहता है? 2 मिनट का, ओनली 2 मिनट्स का डिफरेंस रहता है। लंच भी काफी जल्दी कर लिए थे, मतलब 2:45 बजे तक तो हम लोग का लंच कम्प्लीट हो गया था, जबकि हम लोग का लंच करने में आजकल काफी लेट होता है, पर आज हम लोग जल्दी जल्दी लंच कर लिए थे। स्टैंड दो उधर, दो इधर, दो इधर, दो ये लो, खा लो खा लो। मिल्क बिकीज नहीं है। फ्रेंड्स बज गया है रात का 9:15 एंड मैं बस कुछ देर मैंने लाइव स्ट्रीम किया अभी, क्योंकि मुझे लाइव स्ट्रीम करना था। कल भी मैंने किया था 8 बजे, बट ज़्यादा देर तक नहीं किया था, तो आज मैंने थोड़ा आधा घंटा आई थिंक मैंने लाइव स्ट्रीम किया। एक्चुअली क्या होता है ना, ज़्यादा लोग रहने से फिर अच्छा लगता है, नहीं तो फिर लाइव स्ट्रीम करके क्या फ़ायदा। एंड आज पनव स्कूल, पनव देखिए जैसे मैं बात करना शुरू किया पनव यहाँ आके लेट गया। आज पनव स्कूल नहीं जा पाया, रीज़न यही है, कल इसका जूता पूरा फट गया था, एकदम पूरा खुल गया था, तो नहीं जा पाया। एंड सुबह जाके फिर उतना रात को फिर जूता लाना पॉसिबल भी नहीं था, तो आज फिर ये जाके एक नया जूता मैंने आज इसका एक खरीदवाया है, नया जूता इसके पापा ने खरीद दिया है। तो बस अभी पर अब नया जूता दिखा दो एक बार सबको, ये है पनव के न्यू शूज़, क्योंकि स्कूल से जूता लेने से ना वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, एंड ये वाला शूज़ आई थिंक उतना महंगा नहीं है। पर स्कूल का शूज लाओ, ये है इसका स्कूल शूज एडिडास का, एंड ये है अभी जो जूता खरीदा गया है ये वाला, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा कुछ नहीं है। पर स्कूल वाला शूज जो कि है ना काफ़ी महंगा होता है, मैंने पहना के देख लिया, ये अभी का लिए चलेगा पर 6 महीना बाद आई डोंट थिंक कि 6 महीना बाद ही चले। तो यही बात है, एक्चुअली क्या है ना, स्कूल से शूज़ खरीदने से फिर बहुत महंगा पड़ जाता है। लास्ट टाइम में शूज़ हम लोग आई थिंक 3,500 में ख़रीदा गया था, बट बहुत ज़्यादा महंगा है शूज़ इसका, तो बस नॉर्मल लोकल शॉप से भी हम लोग खरीद सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, तो वही ख़रीदा गया है। देखती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्कूल वालों को, ये जूता आई थिंक आराम से 5-6 महीने तो चल ही जाएगा आई थिंक, देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, बारिश में शूज़ गीला हो जाता है, फिर वो ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है।